तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमको क्या देता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी एट अ टाइम टी। कुछ टाइम टी के बाद अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है तो वो कुछ टाइम टी के बाद कितनी वेलोसिटी आ जाएगी उसमें, कितनी वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगी। फिर इसके लिए हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि मान के चलो कि एक बॉडी है, ये जो बॉडी है ये चल रही है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी उसकी है यू, ठीक है। और वो चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर दिया उस बॉडी को। पहले वो इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ चल रही थी, अब उसको हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर दिया। कितना एक्सेलरेट कर दिया, ए। तो कुछ टाइम टी के बाद में उसने फिर एक फाइनल वेलोसिटी एक्वायर की, जो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, स्मॉल वी। इतना क्लियर हुआ? अरे जी यस मैम, अब हम लोग को ये चीज पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम अपन एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टाइम टी, ठीक है। अब ये जो टी है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ए के पास लेके जाना, तो ये होगा ए इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब हम लोग को वी राइट हैंड साइड में चाहिए, बाकी सॉरी वी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, बाकी सारा चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वी के टर्म्स में फॉर्मूला निकालेंगे। तो वी वी एक साइड होना चाहिए, बाकी सारी चीजें एक साइड होनी चाहिए। तो हम लोग ए टी और यू को भी हम लोग उस साइड ले जाएंगे। तो ये ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी आ गया। अब इस फॉर्मूला को अरेंज करके लिख लेंगे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे डिराइव करना है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Derive the first equation of motion. इसमें दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक ये न्यूमेरिकल मेथड है। तो ये तुम लोग को ऐसा आ सकता है कि या तो ग्राफिकली डिराइव करो या तो न्यूमेरिकली डिराइव करो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली वे है कि कैसे इसको डिराइव करना है, या फिर ऐसा आ सकता है डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विदाउट डूइंग इट ग्राफिकली। बोल रहा है कि ग्राफिकली यूज नहीं करना है, तो बिना ग्राफ मेथड के ऐसे डिराइव होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। और ग्राफिकली मेथड वो अपन आगे देखेंगे, अभी अपन सब न्यूमेरिकली देखते हैं कि न्यूमेरिकली कैसे डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यस मैम, हाँ इतना क्लियर हुआ? मैम, जी ये सबको तुम लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, जैसे मैथ्स को प्रैक्टिस करते हो ना वैसे ही। अब अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारी एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। यू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस
traveled by a body in time t. है कि नहीं? S का मतलब क्या होता है? Distance. और S से हमको क्या मिल रहा है? S से हमको मिलता है distance. और U हमारी क्या होती है? S हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? Distance के लिए. U हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? Initial velocity. Amen. T time के लिए यूज होता है. और A हमारा यूज होता है acceleration के लिए. तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स में ये वाले चैप्टर में, तो ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगी, जिसमें हमेशा अपन को एक क्वांटिटी निकालनी होगी और बाकी क्वांटिटी दी होगी. ठीक है? yes, और इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या मिलता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी. डिस्टेंस मिल रहा है ना हम लोग को. तो अब इसमें भी कंसिडर, हर 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 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने से पहले अपन को कुछ कंसिडर करके चलना है, जो मैं तुम लोग को अपने ओन वर्ड्स में बता रही हूँ. लेकिन तुम लोग को इसको एग्जाम में डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले इसको लिखना पड़ेगा. ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज लिखना, कि मान लो कि एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और फिर वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रही है, कितना ए, कुछ टाइम टी के बाद. एक बॉडी है, वो स्टार्ट हुई इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, कुछ टाइम के बाद उसने एक्सेलरेशन लिया ए, और वो एक्सेलरेशन उसने टाइम टी में लिया. और फिर जब उसने एक्सेलरेशन लिया तो कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v. अपन ऐसा मान लेते हैं कि उसने इस जर्नी में कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है s. ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है s. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उस मूविंग बॉडी से कुछ टाइम t के बाद, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी से. एवरेज वेलोसिटी से कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे इनिशियल. हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. और अगर अपन को इसी को ही सिंबॉलिकली लिखना है तो लिखेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v डिवाइडेड बाय 2. ठीक है? yes, पर अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है हमारा एस, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम टी. ठीक है, इनटू टाइम टी. और जो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन था, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या मिला था? v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ये मिला था ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. मैम आप ये वाले वीडियो का भी लिंक भेजोगे क्या? मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करती. ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं लिंक सेंड कर दूँ. ठीक है? yes. वो तो अच्छा है, मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था तुम लोग को बाद में रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ेगी. ठीक है,
पर अगर कभी भी ऐसा होता है ना तो मेरे को बता देना, तो मैं क्लास से पहले ही स्टार्ट कर दूंगी रिकॉर्ड करना। कल मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी वीडियो, जिस दिन मिताली आई थी उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था कि उसको जरूरत पड़ सकती है। पर ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। v is equals to u plus at, ये हमको कहां से मिला? From first equation of motion. अब इसको अपन ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, s is equals to u plus, v का जगह डालेंगे अपन u plus at, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से, डिवाइडेड बाय 2 इनटू t. इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u plus u, u plus u ये हो जाएगा 2u plus at डिवाइडेड बाय 2 इनटू t. इतना क्लियर हुआ? हाँ मैम। ऊपर से a कहाँ से आया था? ऊपर में ये वाला v is equal 4a plus at लिखी है, लेकिन उसके ऊपर इक्वेशन में तो a नहीं है, फोर नहीं है, ये u है, u फर्स्ट u plus at, उसमें a लिखी हो लेकिन ऊपर वाले में a नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन मैंने इधर से ऊपर से निकाली, ये वाली जो इक्वेशन है, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जब मैं साथ साथ में बता रही हूँ तो मेरे को कब साथ साथ में चलना चाहिए ना। तुम लोग लिखते रहते हो फिर तुम लोग भूल जाते हो कि क्या तुम लिख रही है ना अभी मिताली। नहीं, तुम ये वाला जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन से कोई वो नहीं है लेना देना। ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ से अपन कंटिन्यू चल रहे थे, ये वाला यहाँ से डिराइव हुआ था। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फिर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया, फिर ये सब यहाँ पर पुट किया। उसके बाद मैं क्या बोली कि ये जो इक्वेशन है v is equal to u plus at, ये हमने कहाँ से ली? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही हमारी, यहाँ से हमने इस इक्वेशन को लिया और फिर ये जो इक्वेशन है इसको हमने इस v की जगह डाल दिया, क्योंकि ये v का फॉर्मूला है, v is equal to u plus at, तो v की जगह में हम लोग ने u plus at डाल दिया यहाँ पर। फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? हाँ। और ये यू है, यू ये फोर नहीं है, ठीक है? हाँ। और अभी पहले समझो सब लोग, ये सब कुछ तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है? अभी पहले समझने की कोशिश करो एक एक स्टेप की कैसे आ रहा है स्टेप, लिखो मत। तो s is equal to 2u plus at divided by 2 into t, ये वाला स्टेप तक क्लियर हुआ? हाँ दीदी। सबसे पहले तो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2। फिर मेरे को पता है कि वी का फॉर्मूला होता है यू प्लस एटी, तो मैंने इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दिया, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया यू प्लस एटी डिवाइडेड बाय 2। तो इससे मेरे को एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला 2u plus at डिवाइडेड बाय 2। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया है, पर उसी के बीच में मैंने फॉर्मूला भी पुट कर दिया इसलिए इतना लंबा लग रहा है, पर अभी तक मैंने किया इतना ही है, क्योंकि मुझे एक बार यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना पड़ा था एवरेज वेलोसिटी का और एक बार मेरे को डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला पुट करना पड़ा था। वी के ऊपर जो लाइन बनाए उसका क्या मतलब होता है? वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो एवरेज वेलोसिटी का नोटेशन है। ओके मतलब वो डालना कंपलसरी है? हाँ मतलब वो डालना कंपलसरी है क्या मैम? हाँ वो एवरेज वेलोसिटी के लिए ऐसा डिनोट कर रहे हैं ना अपन, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं जैसे वेलोसिटी। अब तुम्हारा नाम जय लाखोटिया है तो तुमको जय लाखोटिया ही बोल सकते हैं ना, तुम्हारा नाम नहीं चेंज कर सकते। वैसे ही इसका नाम एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए नोटेशन वी डैश है, उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है? हाँ मैम। हाँ जी। फिर इसी फॉर्मूला को मैंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला फॉर्मूला था, s is equal डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to एवरेज वेलोसिटी into टाइम का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी into टाइम। तो फिर मैंने क्या किया, जो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 2u plus at divided by 2 into t, इसमें मैंने फिर पुट कर दिया बस।
अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है। अब इसके आगे देखो कि क्या कर रहे हैं। फिर ये s इज इक्वल्स टू, इसको अब मैं ये जो 2 है इसको मैं सेपरेट करूंगी। सेपरेट मतलब कैसे, 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8t डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा टाइम से इनटू होगा। ठीक है, तो फिर ये जो फॉर्मूला है ये क्या आ गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये जो t है ये अंदर इनटू हो जाएगा u के साथ। तो ये हो गया ut प्लस यहाँ पर आ गया हाफ, ये 2 है ना नीचे तो उसको मैंने अलग से हाफ लिख दिया, और यहाँ पर 8t, और ये जो t है ये इससे भी इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8t स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हमको क्या देती है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी velocity acquired by a body in traveling a distance s. so velocity acquired by a body in traveling a distance s, ये हमको कहाँ से मिलता है, third equation of मोशन से। ठीक है, यस मैम। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या मिला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी बताओ, क्या थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? ऊपर लिखा है वही शायद, s इज इक्वल 80 प्लस हाफ into s, 80 square. s is equal to ut. ये u है. दीदी वो समझ नहीं क्लियर कर लो. ut plus half into 80 square. तो second equation of motion से हम लोग को मिला s is equal to ut plus half 80 square. और first equation of motion से क्या मिला? मैम b is equals to ut plus 80. मैम सॉरी u के साथ में t नहीं था, b is equals to u plus 80. अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इसको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग रीअरेंज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज करने से ये हमको मिलेगा ut plus is equals to v minus u. मैंने इस u को यहाँ shift कर दिया, तो rearrange करके मेरे को मिला है 80 is equals to v minus u. ठीक है? हाँ, yes ma'am. और यहाँ से t की value आ गई v minus u by a. अब ये जो t की value हमको मिली है, c की वैल्यू को हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में। तो उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलता है, u into v minus u by a plus half a, t की वैल्यू v minus u by a whole square।
जी टी क्यों नहीं लिखे आप? क्योंकि अपन को तो एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन करनी है, उसके लिए ये करना है। अब जैसे तुम लोग चाय बनाते हो तो चाय में तुम लोग डालते हो चाय पत्ती और शक्कर, नमक क्यों नहीं डालते? मैम टेस्ट अजीब सा हो जाएगा। तो फिर टेस्ट भी अजीब सा हो जाएगा, प्लस अपन को तो चाय मीठी चाहिए ना, नमकीन थोड़ी ना चाहिए। तो अपन को इसमें ये वाला जो टी है इसमें टी का वैल्यू डाल दी अपन, वी माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसमें कोई रीजन नहीं है कि अपन ने इसको टी की वैल्यू क्यों इसमें पुट की। अपन को ये फॉर्मूला डिराइव करना है, तो अपन को इस फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी अपन वैसे वैसे उसको पुट करते जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करना, ये सब इक्वेशन खुले मतलब ब्रैकेट ओपन करना है इसका। तो ये यू जो है ये वी से मल्टीप्लाई होगा, यू वी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार यू ये वी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये यू यू से मल्टीप्लाई होगा। तो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ हाफ, ये नीचे वाला भी स्क्वायर होगा ऊपर वाला भी स्क्वायर होगा, तो नीचे वाला स्क्वायर जो है वो हाफ ए स्क्वायर लिखा गया, वन बाय टू मतलब नीचे टू ए स्क्वायर लिखा गया, और ये जो ए है ये मल्टीप्लाई होगा वी माइनस यू के होल स्क्वायर के साथ। अब ये हो गया यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस नीचे है टू ए स्क्वायर, और ये v माइनस यू का होल स्क्वायर खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वी यू। ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर देना, तो ये पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ए वी स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर माइनस टू ए वी यू अपॉन टू ए स्क्वायर। अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे अपन, तो इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, टू ए के साथ यहाँ पर एक बार होगा तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, टू ए के साथ यहाँ पर टू लेंगे और ये यू वी माइनस यू स्क्वायर। एक मिनट, ये इसका एलसीएम टू ए स्क्वायर आएगा। ये जो अपन ने यहाँ पर ए को इसके साथ इंटू कर दिया ना, ये ए को इसके साथ इंटू कर दिया ना, यहाँ से एक ए और ये एक ए कैंसिल कर देना। ठीक है, ये जो एक ए है ऊपर और नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना, तो ये क्या बचेगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, और फिर नीचे बचेगा टू ए। ठीक है, यस मैम। अब इसका एलसीएम आएगा टू ए, और फिर यहाँ पर से आएगा टू इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस, ये भी टू ए है और ये भी टू ए है, तो ये होगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू। अब इसमें से ब्रैकेट ओपन करना, तो ये होगा टू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए। तो ये टू यू वी और माइनस टू यू वी कैंसिल हो गया, माइनस यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। Yes, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इस साइड क्या चल रहा था अपना, एस टू ए एस वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैसे कैंसिल हो गया,
अच्छा यहाँ पर टू न्यू स्क्वायर होता ना, ये गलती हो गई, ये टू इससे इनटू होता तो टू यू भी हुआ, और ये जो टू है ये यू स्क्वायर से इनटू होता तो यहाँ पर ये होता टू यू स्क्वायर, ठीक है? यस मैम। अब ये जो s इज इक्वल्स टू माइनस टू यू स्क्वायर और ये है प्लस यू स्क्वायर, तो ये हमको क्या देगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब ये जो टू ए है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेफ्ट साइड ले जाना, तो ये हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर ये यू स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर देना, तो ये हो जाएगा टू ए एस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, फिर अरेंज करके इसको लिखेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यस मैम, ठीक है। हाँ मैम, सबसे पहले अपन ने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u को शिफ्ट किया v के पास और at की वैल्यू आई v माइनस u, फिर यहाँ से अपन ने t निकाला, t जो आया वो कैसे आया, v माइनस u अपॉन a, उसके बाद जो t की वैल्यू आई उसको हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट किया, यहाँ पर t की जगह में पुट किया, तो t की जगह में पुट करने के बाद इस टाइप की इक्वेशन हमको मिली, फिर ये जो इक्वेशन हमको मिली इसमें से हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन किया ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है, और फिर इस इक्वेशन को ही हमने पूरा सॉल्व किया है, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने से हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिली है। क्लियर हुआ? हाँ मैम। हाँ दीदी। तो ये चीज एक ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी starts from rest, if a body starts from rest, the initial velocity is zero. The initial velocity is zero. मतलब उसकी initial velocity को तुम लोग को zero लेके चलना है. अगर कोई body rest से start हो रही है तो body कोई रुकी हुई है और रुकी हुई position से फिर वो start हो रही है चलना. If a body comes to rest, अगर कोई body rest में आ जाती है थोड़े time के बाद, comes to rest, और कोई body rest पे कब आती है, जब वो रुक जाती है, then final velocity is zero. Final velocity क्या हो जाएगी? Zero. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम लोग उसका एक्सेलरेशन को जीरो लेते हैं,